हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जो हमारे नेवी, एसएसआर और एमआर की तैयारी करते हैं और तैयारी करते आए हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है जो कि अभी एक नया फिजिकल देने जा रहे हैं और अपना जो स्टेज टू है उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और ये उन सभी बच्चों के लिए भी है जो कि अब जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है और नई वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोनों के बारे में बातचीत करेंगे कि नई वैकेंसी कब आएगी, उसके अलावा तैयारी कैसे करी जाए, इतने कम टाइम के अंदर फोकस किन चीज़ों पर, और जीके जीएस के अंदर कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। और उसके साथ में हम बातचीत करेंगे उन सभी बच्चों के रिगार्डिंग कि जिनकी फिजिकल की अच्छे से तैयारी नहीं हो रही है, रनिंग की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो रही है, पुशअप्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, ठीक से हो नहीं पा रहे, तो क्या हम फेल हो सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा बाद में जाके वहां पे जाके आप लोगों का रिटन एग्जाम किस तरीके से होएगा, ऑनलाइन होएगा या ऑफलाइन होएगा, और ऑफलाइन होएगा तो किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप सब लोग रेगुलर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा चैनल और हमारा सपोर्ट भी बढ़ेगा और उसके साथ में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें यू फील होएगा कि हाँ, हम रेगुलरली आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लेके आते रहें और रेगुलरली आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालते रहें। बाकी बात की जाए तो सबसे पहले कि उन सभी बच्चों के लिए जो अभी फेज टू के अंदर जाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी बच्चों, सबसे पहले आप लोग उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो आपको मतलब उन बच्चों ने जिन बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया था लेकिन नहीं क्लियर हो पाया, तो अब उन बच्चों को किसके ऊपर फोकस करना है। अब उनको फोकस करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो रह गए थे। तो अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दीजिए, जीके जीएस में कौन सा पोर्शन है या फिर मैथ के अंदर कौन सा पोर्शन है जो कि आप लोगों का वीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर पार्टिसिपेट करिए। बाकी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को तैयारी करने के लिए नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो सारे के सारे जो बच्चे हैं, बात की जाए क्योंकि आप लोगों ने अगर नोट्स बना रखे हैं तो वेल इन गुड, क्योंकि अगर आप लोगों के नोट्स हैं तो कहीं और से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स रिवाइज करो, और जिस किताब से पढ़ रहे थे वही रिवाइज करो, वो वेल मोर देन इनफ है। अदरवाइज अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, हमें प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा जरूरत है, तो हमारा डेडिकेटेडली मॉक टेस्ट आते हैं रेगुलर। वो माना कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो एसएससी एमटीएस के हिसाब से होते हैं, लेकिन जीके जो होती है वो सबकी सेम ही होती है, तो आप वो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट के साथ में मेरी रेगुलर जीके जीएस की क्लासेस भी आती है, तो आप वो बेसिक की क्लासेस भी लगा सकते हो, कोई दो राय नहीं है, काफ़ी सारा हमारा सिलेबस उसमें भी कवरअप हो जाएगा। तो बात की जाए कि आप लोग तैयारी कैसे करें, तो दोनों ऑप्शन हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो अपने वीकनेस के ऊपर फोकस करो, और अगर आप लोग किसी यूट्यूब चैनल से करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए कि मैम मोड कैसा रहेगा, रिटर्न एग्जाम का मोड कैसा रहेगा, तो रिटर्न एग्जाम का मोड जो है वो ऑफलाइन रहेगा। उसके अंदर आप लोगों को ओएमआर शीट के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिन बच्चों की ये दिक्कत है कि मैडम ओएमआर शीट के साथ कैसे प्रैक्टिस करें, तो वो बच्चे आप मार्केट से या फिर अगर आप कोई जो ऑनलाइन वाली शॉप है वहाँ से भी आप फोटोस्टेट करवा के लेके आ सकते हैं, कई सारे पेजेस लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा ओएमआर शीट के साथ, टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का एग्जाम पेपर क्लियर होने के चांसेस हो सके। उसके अलावा बात कर ली जाए कि नई वैकेंसी कब आने वाली है, तो नई वैकेंसी जो है वो बच्चों आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर आ जाएगी, तो ज्यादा तक चांसेस है कि अक्टूबर तक में आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब से आप फिर अक्टूबर से आप लोगों के फॉर्म फिल होने जरूर शुरू हो जाएंगे, तो आपकी 2025 की वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी, और फिर डेफिनेटली जैसे ही वैकेंसी आती है हम तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा बात कर ली जाए कि जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चों का डाउट है कि मैम मेरा रनिंग नहीं हो पा रही है। जैसे कि लड़कों का कितना है, लड़कों का 6.5 मिनट है और लड़कियों का 8 मिनट है, तो लड़कों का ये बोल रहे हैं कि मैडम हो नहीं पा रहा है, क्या करें हम वैकेंसी मतलब हम जो रनिंग है वो इतनी हो नहीं पा रही है, या फिर लड़कियों की बोल रहे हैं इतनी हो नहीं पा रही है, क्या हमारा चल जाएगा? जी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आप सब लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइमिंग को थोड़ा सा कम ही करिएगा, अगर 6.5 मिनट बोल रखा है तो 6:20 करिएगा, 6:25 करने की कोशिश करिएगा, और उसके अलावा लड़कियों का 8 मिनट बोल
रखा है तो 7:50 करिएगा या फिर 7:55 करिएगा, तो इतना करने की कोशिश करिएगा, ओके। तो तभी वहाँ पे जाके एक अच्छा क्लियर हो पाएगा। दूसरा बात पुशअप्स, तो पुशअप्स की बात कर ली जाए तो पुशअप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिटअप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम मेरे से, लड़कियाँ स्पेशली बोल रही हैं कि मैडम मेरे से सिटअप्स नहीं हो पा रहे, तो चल जाएगा काम? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उन सभी बच्चों को मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि सिटअप्स की और पुशअप्स की सभी के सभी स्क्वाट्स वगैरह सभी चीज़ों की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के यही एक मौका है बच्चों, क्योंकि कई सारे बच्चों को आप लोग देख रहे हो कि कई सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप सभी बच्चे की एक बार ये पहला मुकाम करने के हासिल करने के बाद में आप सब लोग फेल हो जाओ, तो कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो अपनी फिजिकल की गलती की वजह से रह जाए। तो फिजिकल में तो मेरे हिसाब से किसी को भी निकलना बनता नहीं है। उसके अलावा बात कर ली जाए कि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कॉम्पिटिशन कितना रहेगा, तो कॉम्पिटिशन बच्चे देखो इस तरीके से रहेगा कि एक सीट के ऊपर यानी कि एक बच्चे के साथ में 20 बच्चों को दौड़ाया जाएगा, तो इस तरीके से आप लोगों का कॉम्पिटिशन रहेगा, यानी कि एक के साथ 20 का कॉम्पिटिशन रहेगा आप लोगों का। चलो, तो ये आज की जानकारी थी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिन जिन बच्चों को ये है कि मैम तैयारी कैसे करें, क्या हमारे चैनल से, क्या आपके चैनल से तैयारी कर सकते हैं, तो जी हाँ बच्चों, डेफिनेटली आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो मॉक टेस्ट भी लगाओ, सिमिलरी बात बनेगी MTS के लिए और नेवी SSR या MR के लिए, जीके बच्चे लगभग सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं आता है। तो मेजरली जो पोर्शन वीक होता है वो जीके जीएस का आता है, मैथ के लिए तो हमारी दीक्षा मैडम करवा ही रही है, तो सब कुछ आप लोगों का यहाँ पे इन मॉक टेस्ट के साथ भी कवर अप हो सकता है। देखो बच्चों, पढ़ने वाला वो वैसे भी पढ़ लेगा, वो खुद से भी पढ़ेगा, और वो अगर मॉक टेस्ट उसका अलग से चलाएंगे तो भी पढ़ेगा। वो तो बस आप लोगों की डिपेंड है कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में बनोगे, कि अलग से अलग वाली क्लासेस लगा के, या फिर आप लोगों को मतलब ये है कि तैयारी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो पढ़ाई तो मैं खुद भी कर लूंगा। तो अभी आप लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ मैं कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी मैं आप लोगों का डेफिनेटली साथ देती रहूंगी, प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, और भी कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।